हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राधा और राधास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी रसभरा कुरकुरी जलेबी। तो फ्रेंड्स, ये घर पर आसानी से बन जाता है, तो चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए चाहिए हमें 2 कटोरी मैदा, जो इस कप में मैं ली हूँ। इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसका बैटर रेडी करेंगे। धीरे धीरे पानी डाल के इसका बैटर रेडी करना है। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे मसलते हुए इसका गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है, गाढ़ा बैटर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसे मसलते मसलते मैं कर रही हूँ, वैसे ही मसलते हुए बैटर रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अभी इसको अच्छे से फेंटेंगे। जितना अच्छे से फेंटेंगे, ये जलेबी हमारा अच्छे से बनता है क्रिस्पी, और इसका खमीर अच्छा बन जाता है बैटर का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही करना है, और इतना गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस बैटर को हम 10 से 12 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। इसमें मैं दही नहीं डाली हूँ, कोई कोई दही भी डालते हैं। हम ऐसे नॉर्मल सिंपल सा बनाएंगे। 10 से 12 घंटा रख देते हैं, नहीं तो ओवरनाइट के लिए आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ढककर रख देते हैं। दूसरी तरफ हम कढ़ाई ले लेते हैं इसका चाशनी बनाने के लिए। इसमें डाल देते हैं 2 कप शक्कर। 2 कप शक्कर डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 कप पानी। इस कप में मैं शक्कर ली हूँ, तो इसमें 2 कप पानी डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिलाते रहिएगा जब तक पानी में शक्कर घुल ना जाए, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा शक्कर। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। फ्रेंड्स, ये हमारा जो बैटर कल तैयार किए थे हमने, ये देखिए, अच्छा से खमीर बन चुका है, कितना फूल चुका है। तो अच्छे से मिला लेते हैं इसको। इसमें नहीं, हम लोग कलर भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही सिंपल बनाएंगे। इतना परफेक्ट होना चाहिए हमारा बैटर, ताकि परफेक्ट जलेबी बन सके। इसका खमीर अच्छे से बनना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें डाल देते हैं हम चाशनी में थोड़ा सा दूध, 2 से 3 चम्मच दूध डाल देते हैं, ताकि शक्कर में जितना गंदगी है वो बाहर आ जाए। इसको चम्मच की सहायता से निकाल लेते हैं धीरे धीरे। अगर आपका शक्कर साफ है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं दूध। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चाशनी बन के रेडी हो चुका है। अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चिपचिपा थोड़ा सा होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाशनी बनाना है हमको। इसमें डाल देते हैं थोड़ा नींबू का रस, 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, ताकि हमारा चाशनी गाढ़ा ना हो। गैस पे रख देते हैं हम तेल गरम होने के लिए। यहाँ पर मैं एक पॉली बैग ली हूँ जलेबी बनाने के लिए। आपके पास अगर सॉस का बॉटल है तो उसमें भी आप बना सकते हैं, कोई कोई कटन में भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आसानी से सबके घर पर मिल जाता है पॉली बैग। तो इसका कोना को मैं थोड़ा सा कट कर दी हूँ। अभी गिलास के ऊपर इसको रख देते हैं पॉली बैग को, और डाल देते हैं बैटर। धीरे धीरे डाल देंगे, इसमें लगा देंगे एक रबड़। पॉली बैग में रबड़ लगाने से गिरेगा नहीं बाहर। फ्रेंड्स, फिर इसको डायरेक्ट लेके हमने तेल के अंदर डालेंगे। गोल गोल शेप दे देते हैं जलेबी की तरह। फ्रेंड्स, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जलेबी तो अपना शेप ले लेता है। जितना स्पेस है कढ़ाई में, उतना ही जलेबी डालेंगे आप। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जलेबी, और इसको गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करेंगे। ये क्रिस्पी हो जाएगा तभी तेल से निकाल लेंगे, और डायरेक्ट डालेंगे हम चाशनी में। जलेबी को निकाल के बाहर नहीं रखना है, नहीं तो ये चाशनी पी नहीं पाएगा।
डायरेक्ट हम डालेंगे चाशनी में, और चाशनी में 5 से 7 मिनट तक हम डुबाते हुए रखेंगे। फिर निकालेंगे एक प्लेट में। इसको चाशनी पीने में 5 से 7 मिनट लगता है। ये देखिए हमारा जलेबी चाशनी पी लिया है। अभी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जलेबी बन के रेडी हो चुका है। कोई झंझट नहीं, कोई मेहनत नहीं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। फ्रेंड्स ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। रस से भरा हुआ है, क्रिस्पी है, इतना सुंदर लग रहा है। तो घर पर आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कम समय में, कम सामान में, इस लॉकडाउन में अगर आपको जलेबी खाने का मन हो तो आप घर पर ज़रूर बनाइएगा। कैसा लगा लिख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद।